नमस्कार, आज हम बात करते हैं द्वारका के वार्ड 47 एस की। इस वार्ड की निगम पार्षद सुषमा रविंदर गोदरा और हमारी टीम पहुंची निगम पार्षद के गांव भरतल के दादा मोटा शाम पार्क में। पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस पार्क में यहां के लोगों के लिए निगम पार्षद सुषमा रविंदर गोदरा ने पार्क की देखरेख व जनता के लिए जैसे जिम, छोटे बच्चों के लिए झूले, नौजवानों के खेलने के लिए वॉलीबॉल, कबड्डी आदि। और इस पार्क की बात करें तो हरी भरी घास, पेड़ पौधे, लाइटें जो कि इस पार्क की सुंदरता बढ़ाती नजर आई। हर खबर की टीम ने पार्क में आए लोगों से बात की। मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, जैसे आप मैं देख रहा पार्क में यहाँ पे घूम रहे, क्या कहना चाहेंगे? पहले यहाँ कोई पार्क था? नहीं, यहाँ कोई पार्क नहीं था, ये एग्रीकल्चर लैंड थी और यहाँ बिल्कुल बंजर जमीन थी। यहाँ पर बिल्कुल पेड़ वगैरह सारे थे। फिर ये DDA ने, हाँ, जंगल टाइप में था और DDA ने इस यहाँ पर पार्क अलाउड किया और उसका देख रेख अब तो फिलहाल तो MCD वगैरह कर रही है। पहले DDA के अंडर था, अब हमारी जो निगम पार्षद सुषमा गोदारा जी है उसने बहुत देख रेख की और उसके प्रति गाँव वालों का भी उत्साह है भाई, वो काम भी अच्छा कर रही है। और यहाँ खाली आपके गांव में या पूरे वार्ड में काम कर? नहीं, हमारे पूरे वार्ड में अच्छा काम हो रहा है और साफ सफाई पर पूरा ध्यान है। ठीक, कोई किसी को गांव वालों को कोई शिकायत तो है नहीं। देखो अपोजिट वाले को एक आध तो खैर हो जाता है, ये तो भाई कोई राजनीति बात नहीं करने आया, मैं इस पार्क की सच्चाई दिखाने आया कि हाँ जो पार्क बना लोग कितने खुश है और कितना नहीं भाई उनको मिला। हाँ, ये इसका बेनिफिट हमारे 5-6 हज़ार वोटर है यहाँ के गांव के, तो तकरीबन सभी आते हैं यहाँ पर और अच्छा ही मतलब महसूस कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पे जो निगम पार्षद है उन्होंने इतना अच्छा पार्क बना के दिया आप लोगों के लिए? हाँ, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं ये चाहता हूँ आगे भी यही पार्षद जी हमारे आए। मेरा नाम प्रिया डागर। प्रिया जी, जैसे मैं देख रहा बच्चों के साथ आप पार्क में आए हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे जो यहाँ पहले जैसे सुनने में आया कि यहाँ पे पार्क ही नहीं था और अब इतना बेहतरीन पार्क यहाँ पे बनाया गया? हाँ जी, पार्क अच्छा है, बच्चे मनोरंजन करते हैं उसके साथ में, हम भी करते हैं, अच्छा लगता है घूमने फिरने से। बेटा क्या नाम आपका? साहिल। साहिल, कैसा लग रहा है इस पार्क में? बहुत अच्छा लग रहा है। पता है किसके द्वारा ये पार्क यहाँ पे बनवाया गया? हाँ बताए, मेरी सुषमा दादी ने बनवाया था। सुषमा दादी? हाँ, मेरी दादी लगती हैं। दादी लगती है। हाँ। तो कैसा लग रहा है? मैं देख रहा हूँ आपकी पूरी टीम आपके साथ यहाँ खेलने आई है। अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे मजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरा नाम जयवीर है जी, मैं भरथल से। जैसे मैं देख रहा जो पार्क है निगम पार्षद के द्वारा बनाया गया और यहाँ पे खेलने का भी सुविधा दी गई, जैसे आपके पीछे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जी जी, क्या कहना चाहिए? जी, हमारे पार्षद के द्वारा किया गया है, उनकी मेहनत। हमारे गांव में पार्क नहीं था, हम द्वारका जाना पड़ता था गांव वालों को, और हाँ खेलने के लिए भी ग्राउंड नहीं था, घूमने के लिए भी नहीं था। ये पार्षद जी द्वारा किया गया है, बहुत काम करवाया है इसमें, और ये जो खेलने का ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये आधा नहीं जी, पूरा गांव, क्योंकि पूरे गांव में यही पार्क है जी। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे निगम पार्षद को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया? जी, हमें तो अपने निगम पार्षद पे पूरा गर्व है और दोबारा भी यही आएंगे। उमेश डागर नाम है। ये मनु के द्वारा, सुषमा को द्वारा, केस बैंड जो हमारे काउंसलर है जी। तो क्या लग रहा है जैसे कि हम पहले कोई सुविधा ही नहीं थी इस वार्ड में लोगों के लिए पार्क की या घूमने के लिए? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें बनाई जा रही है, बच्चों को खेलने के लिए भी है, गाँव के लिए घूमने के जगह भी बनाई है, लाइटिंग का भी अच्छा प्रबंध करवाया है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे निगम पार्षद? बहुत अच्छे हैं हमारे और नेक्स्ट टाइम भी भगवान की दया से यही बनेंगे जी। सर, मैं नाम जानना चाहूँगा। राजेंद्र सिंह गोदारा। जानना चाहूँगा जिस पार्क में आप बैठे ऐसा सुंदर पार्क पहले भी यहाँ कभी नजर आया? अब तो बहुत अच्छा पार्क है, थोड़ी बहुत दिक्कत है वो ठीक कर देते हैं, कहने से हम उनको बोलते हैं। तो मानू जी का रहते हैं सारा कार्य।
और हमारे यहाँ काउंसलर हैं सुषमा गोदारा, सुषमा गोदारा के द्वारा यहाँ काम हो रहा है। कोई भी समस्या हो जब भी हम उनको बोलते हैं पूरा काम कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी से किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है। तो जैसे पता चला कि पहले आसपास पार्क ही नहीं था यहाँ पे? नहीं, ये फर्स्ट पार्क है गांव में, पहला पार्क है और पूरा वेल मेंटेन है। तो उनका धन्यवाद करना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बीजेपी का धन्यवाद, सुषमा जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, जो कि इंडिया फिट मुहिम चलाई, उसी से प्रेरित होके हमने अपने गाँव में लोगों को फ्री में फिट आसन प्राणायाम के द्वारा करने का अभियान चलाया है। सुबह भी करवाते हैं 2 घंटा, 2 घंटा शाम को। इस मौके पर पार्क में स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन करने निगम पार्षद सुषमा रविंदर गोदरा भी पहुंचे और गांव के लोगों से नारियल फुड़वाकर किया उद्घाटन। हर खबर की टीम ने निगम पार्षद सुषमा रविंदर गोदरा से बात की। जी, जैसे मैं देख रहा जो पार्क है, पार्क आपकी मेहनत से यहाँ पे, बड़ी मेहनत लगन से यहाँ पे तैयार किया है, क्योंकि जैसे सुनने में पहले यहाँ पे पार्क नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? और आज यहाँ पे एक बड़ी लाइट का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया। मैं यही कहना चाहूँगी कि पार्क नहीं था, डेवलप किया है इसको, बहुत अच्छी तरीके से किया है, जिससे गाँव के लोगों को बहुत सुविधा हुई है। लेडीज़ हैं जो ऐसे ही रोडों पर घूमती थी, एक्सीडेंट वगैरह होते थे, एक तो डेथ भी हो गई थी, और अब इस पार्क के कारण लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेडीज आती हैं, बच्चे भी खेलते हैं, और लाइट जैसे आपने देखी, इससे एक रात को भी अगर खेलना चाहें तो अच्छे से आसानी से खेल सकते हैं, कोई इनको परेशानी नहीं होगी। रविंदर जी, जैसे अगर हम दवार का सी की बात करें, जैसे यहाँ पे पहले पार्क नहीं था, भरतल गाँव की अगर खास तौर पर बात करें, तो एक यहाँ पे सुंदर पार्क यहाँ पे बनाया गया। मैं यहाँ लोगों से भी काफ़ी बात की और बच्चों से भी बात की, इसमें हर तरह की सुविधा, कबड्डी खेलने का, वॉलीबॉल हो या और कोई खेल हो, और बच्चों के साथ महिला भी, बुजुर्ग भी सभी यहाँ पे आ रहे। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी कष्ट उठाने पड़े इस पार्क को बनवाने के लिए? देखिए, ये एक आशीर्वाद है दादा मोटा का हम पर, जो उन्होंने हमें 2017 में आशीर्वाद दिया और हमें इस लायक बनाया। जब 2017 में हमने पदभार संभाला तो उस टाइम पर हमारे वार्ड में कोई भी पार्क नहीं था जहाँ पर महिलाएँ, बच्चे, आदमी घूम सके। उसी दिन मैंने एक प्रण लिया था कि मैं अपने वार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पार्क दूंगा। आप देखिए, ये पार्क 2017 में था जहाँ पर जंगल था, कुछ भी नहीं था, और आज हमने अपने यहाँ पर इसमें लाइट हो, ट्रैक हो, चाहे अच्छी घास हो, 2 हाई मास्ट लाइट हो, चाहे कोई रात को 12 बजे भी घूमना चाहे तो महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगी। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है हमें सांसद हमारे रमेश भिदूड़ी जी से, उनका बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहा है, चाहे ओपन जिम लगाने में सहयोग रहा हो, चाहे स्ट्रीट लाइट लगाने में सहयोग रहा हो, उनका काफ़ी सहयोग उनका रहा है। आप ये मानिए कि ये मैंने अपने मेहनत से निकाल के और इस पार्क को बनवाया है, और इसका एक मैं श्रेय दूंगा क्षेत्र की जनता को, अपने गांव की जनता को, कि उन्होंने सहयोग किया जो हम इतना भव्य पार्क बनवा पाए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।